प्रभु ईसा मसीह में मेरे प्यारे बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। पुनरुत्थान पर्व के तीसरे इतवार में आज माता कलीसिया हमारे मनन चिंतन के लिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1-14 तक हमारे सामने रख दिया है। मेरे प्यारे बंधुओं, इन शब्दों में यानी अध्याय 14 वाक्य 1-14 तक के शब्दों में प्रभु ईसा मसीह स्पष्ट शब्दों में अपने चेलों को, अपने चाहने वालों को, अपने को सुनने वालों को यह सत्य बतलाना चाहते हैं कि ईसा मसीह की पहचान क्या है, उनकी क्या हैसियत है, वे क्यों इस दुनिया में आए, किस तरह आए, किसने उनको भेजा और उनका मिशन क्या है, इनके बारे में अपने चेलों को अवगत कराना प्रभु ईसा मसीह का इरादा था। संत यूहन्ना के सुसमाचार की शुरुआत से आप देखिए, संत यूहन्ना प्रभु ईसा मसीह को संसार के जीवन और ज्योति के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार की शुरुआत से लेकर अध्याय 1-17 अध्याय 17 तक प्रभु ईसा मसीह को दुनिया की ज्योति और जीवन के रूप में उनकी पहचान हमको बताना चाहते हैं। कभी कभार संत यूहन्ना खुद प्रभु ईसा मसीह की पहचान बताते हैं तो बीच बीच में प्रभु ईसा मसीह स्वयं अपनी पहचान हम लोगों को बताते हैं। आज के सुसमाचार में आप लोगों को दो सत्य के बारे में प्रभु ईसा मसीह शिक्षा देना चाहते हैं। पहला सत्य यह है, जैसे संत थॉमस के सवाल का जवाब देते हुए प्रभु ने संत थॉमस को समझाया, देखो तुम कहते हो कि हमें पिता के पास जाने का, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ का मार्ग हम नहीं जानते हैं, हम ये भी नहीं जानते तुम कहाँ जा रहे हो। तो प्रभु ईसा मसीह उनको स्पष्ट बताते हैं कि थॉमस, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। और देखने पर हमको मालूम पड़ेगा संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 में जहाँ भले गडेरे का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं प्रभु, वहाँ प्रभु अपने चेलों को समझाइश देते हुए कहते हैं, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, मुझसे होके गए बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। ये भेड़शाला क्या है? भेड़शाला ईश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य है और हम उनकी भेड़े हैं, और भटकी हुई भेड़ों को सही राग दिखाने वाला गडेरिया प्रभु ईसा मसीह वही भेड़शाला का द्वार है। तो मार्ग वही है, उनके द्वारा ही हम अंदर जा सकते हैं। यानी ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाना हो तो ईसा मसीह रूपी मार्ग से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इस सत्य को और गहराई में समझाते हुए संत लूकास के सुसमाचार में हम देखते हैं लाजरुस और अमीर के दृष्टांत में वह लिखा गया है, इब्राहिम से जब वो अमीर व्यक्ति अनुरोध करता है, पिता इब्राहिम लाजरुस को मेरे भाइयों के पास भेजिए ताकि वे उनको समझाइश दे ताकि वे लोग ये नरक के इस दंड ना भोगे, तो पिता इब्राहिम उनको समझाते, किनको, अमीर को समझाते हुए कहते हैं, हे भाई, हमारे और तुम्हारे बीच में भारी गर्त अवस्थित है, खाई है, हम इधर से उधर नहीं जा सकते और उधर से कोई इधर भी नहीं आ सकते। तो इंसान और ईश्वर के बीच में जो खाई बनी हुई थी, वो खाई जो गर्त, उसको भरना या उस गर्त पार करके हमें ईश्वर के पास पहुंचाना प्रभु ईसा मसीह रूपी पुल का काम है। प्रभु ईसा मसीह ने अपने जीवन क्रूस पर देने से हम लोगों के लिए अपने जीवन को इस दुनिया में एक पुल के रूप में बिछाया ताकि हम इस खाई को पार करके हम ईश्वर की गोद में उस लाजरुस की तरह पहुंच जाए। और प्रभु ईसा मसीह ने थॉमस से कहा, जीवन में हूँ, उन्होंने कहा मात्र नहीं, उन्होंने करके दिखाया, लाजरुस को जीवन प्रदान करते हुए प्रभु ने दिखाया कि वो सचमुच जीवन है। और प्रभु ईसा मसीह के बारे में संत यूहन्ना कहते हैं अध्याय 1:9, शब्द सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है,
तो प्रभु ईसा मसीह इंसान के मन के अंधकार को दूर करने वाली ज्योति है। ये सत्य प्रभु ईसा मसीह ने जन्मांध को दृष्टिदान प्रदान करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं ही ज्योति हूँ। और व्यभिचार में पकड़ी गई उस स्त्री को उन लोगों के पंजों से बचाकर प्रभु ने उन लोगों के मन में ज्योति डाली जो नियम के कारण अंधे हो गए थे। उन लोगों के मन में ज्ञान का प्रकाश डालते हुए प्रभु ने समझाया कि मैं ही ज्योति हूँ, मुझसे होकर या मुझ मेरे द्वारा ही तुम सब कुछ अच्छी नज़र से देख सकते हो। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मार्ग सत्य और जीवन प्रभु ईसा मसीह, यह निस्संदेह है। उन्होंने अपने जीवन से हमें यह सत्य हमारे सामने उन्होंने ये प्रकट कर दिया। और दूसरा सत्य जो संत फिलिप यानी ईसा मसीह का चेला जो फिलिपोस, जो फिलिप जिसे अपन कहते हैं, उन्होंने प्रभु से ये सवाल किया, प्रभु, या उन्होंने अनुरोध किया, प्रभु हमें पिता का दर्शन कराइए, हमें इतना काफ़ी है। तो प्रभु ईसा मसीह आश्चर्यचकित होकर फिलिप से कहते हैं, फिलिप, इतने साल इतने समय मेरे साथ बिताने के बावजूद भी तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे हमें पिता के दर्शन कराइए, क्योंकि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। हम देखते हैं संत योहन अपने सुसमाचार में बहुत सारी जगह प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के अभेद्य संबंध के बारे में हमें समझाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए अध्याय 1 वाक्य 18, ईसा मसीह कहते हैं, सॉरी संत योहन कहते हैं, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते पुत्र ने ही उन्हें उससे प्रकट किया है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, प्रभु ईसा मसीह एकमात्र व्यक्ति है जो ईश्वर के दर्शन हमें करा सकते हैं। अध्याय 13 वाक्य 3 आप देखिए, ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया, मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। और अध्याय 5 वाक्य 19, पुत्र स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता, वो पिता को जो कुछ करते देखता है वही करता है। जो पिता ने जैसे मृतकों को जिलाकर जीवन प्रदान करता है, वैसे पुत्र भी अपने चाहने वालों को जीवन प्रदान करेगा। तो और अध्याय 16 वाक्य 15, प्रभु ईसा मसीह निस्संदेह कहता है, बेहिचक, जो कुछ पिता के वो मेरा है। और अध्याय 16 वाक्य 32, मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि पिता मेरे साथ है। और अध्याय 17 वाक्य 2, तूने उससे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे हम उन सबों को वह अनंत जीवन प्रदान कर सके। और आगे कहते प्रभु, जिन्हें तूने उससे सौंपा है वो यानी पुत्र उन्हें स्वयं अनंत जीवन प्रदान कर सके क्योंकि तूने मुझे अधिकार दिया है। और अध्याय 17 वाक्य 3, वे तुझे एक ही ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। और अध्याय 17 वाक्य 7, अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब मैंने उनको जो कुछ दिया है तूने मुझे जो कुछ दिया है वह तुझसे ही आता है तूने मुझे जो कुछ दिया है वह तुझसे ही आता है। और अध्याय 17 वाक्य 10, जो कुछ मेरा है वह तेरा है और जो कुछ तेरा वह मेरा है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ऐसी वाणी आप देखिए कि संत योहन के सुसमाचार में ही आपको मिलेगी ऐसी वाणी, जहां स्वयं प्रभु ईसा मसीह और संत योहन दोनों की कोशिश यही है कि प्रभु ईसा मसीह की पहचान बता दे हमें। प्रभु ईसा मसीह की पहचान यह है कि वे ईश्वर की ओर से आए हैं, वे स्वयं ईश्वर की गोद में रहने वाला है, ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर से अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ है, और वे जीवन का स्रोत, मार्ग, सत्य और वही ज्योति हैं। और आखिरी में प्रभु हमको ये भी बताते हैं, फिलिपोस को उन्होंने जवाब दिया कि फिलिप, जो भी मुझे देखता है वह मेरे पिता को देखता है, क्योंकि मैं और पिता हम अलग नहीं, हम एक हैं, हम पिता की गोद में रहने वाली सच्ची ज्योति है। और पिता ने मुझे संसार के पहले, पिता से मैं उत्पन्न हुआ,
और संसार के अंत तक मैं पिता के साथ बना रहता हूँ। तो पिता और ईसा मसीह अपने दोनों के बीच के संबंध इतना गहरा है कि वो पिता स्वयं पिता ईश्वर के दर्शन कराने में समर्थ है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, शिक्षा इन वाणियों इन शब्दों से हमें जो क्या शिक्षा पाने की ज़रूरत है, हमें यह शिक्षा ज़रूर पाने की ज़रूरत है कि ईसा मसीह ईश्वर का प्रतिरूप है। ईश्वर को इस दुनिया में प्रतिबिंबित करना और किसी के बस का बात नहीं है। प्रभु ईसा मसीह स्वयं ईश्वर के प्रतिरूप बनकर, ईश्वर के सत्ता बनकर, स्वयं ईश्वर बनकर, ईश्वर की गोद में रहने वाले इकलौते पुत्र बनकर प्रभु ईसा मसीह ने इस दुनिया में ईश्वर को प्रकट किया। और शिक्षा यह है कि जिस तरह पिता के साथ एक बनते हुए, पिता से एकजुट रहते हुए, पिता से अपना अभेद्य संबंध बनाए रखते हुए, जिस तरह पिता ईश्वर के दर्शन प्रभु ईसा मसीह ने दुनिया को प्रदान किए हैं, इसी तरह प्रभु ईसा मसीह के हर एक चेले का फर्ज बनता है कि वो प्रभु ईसा मसीह की तरह अपने ईश्वर से एक अटूट संबंध का संबंध स्थापित करें। वो मात्र नहीं, अपने अटूट बंधन से, अपने अटूट संबंध से, अपने गहरे रिश्ते से संसार को हमें यह बतलाना पड़ेगा या संसार वालों को यह समझाना पड़ेगा कि ईश्वर से जुड़े रहने के कारण जो भी मुझे देखते हैं वो प्रभु स्वयं प्रभु ईश्वर को देखते हैं। यानी मेरे प्यारे बंधुओं, हमारी सूरत पर ईश्वर की मूरत दूसरों को नजर आनी चाहिए। हर एक मिशनरी, हर एक ईसाई, हर एक ईसा मसीह के हर एक चेले का यही फर्ज है हमारी सूरत पर, यानी अपनी सूरत पर ईसा मसीह की मूरत यानी स्वयं ईश्वर की मूरत दुनिया को नजर आनी चाहिए। जिस तरह प्रभु ने अपने जीवन से ये हमें ये समझाया और हमें ये स्पष्ट कर दिया कि प्रभु ईसा मसीह को देखने वाले स्वयं प्रभु ईश्वर को देखते हैं, और वही ज्योति है, वही जीवन है, वही मार्ग है। इस तरह हमें भी दो काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, जो हमें देखें, जो हमारी सूरत देखें, जो हमारा चेहरा देखें, उन्हें ईश्वर का चेहरा जरूर नजर आए हमारे चेहरे पर। दूसरी बात, जिस तरह प्रभु ईसा मसीह ने इंसान और ईश्वर के बीच की खाई को भरने के लिए अपने जीवन के एक पुल के रूप में बिछा दिया था इस दुनिया में, उसी तरह क्रिस्त शिष्य होने के नाते, ईसा मसीह के चेले होने के नाते और प्रभु ईसा मसीह के कि संतान कहलाने के नाते, यानी प्रभु ईसा मसीह के अनुयायी कहलाने के नाते, हमें यह करने की ज़रूरत है कि हमें भी प्रभु की तरह अपने जीवन को दूसरों की मुक्ति के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, पिता के दर्शन कराने के लिए, पिता ईश्वर की गोद में उन्हें ले जाने के लिए हमारे जीवन को एक पुल के रूप में इस दुनिया में बिछाएँ और हम दुनिया से ये कहें, मुझसे होकर जाओ तो तुम ईसा मसीह ईश्वर के पास जा सकते हो, ईश्वर से मिल सकते हो। इसी भरोसे के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। याद रखें, हमें अपने जीवन को एक मार्ग के रूप में प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, हमें एक पुल के रूप में अपने जीवन को दूसरों को देने की ज़रूरत है, और ईसा मसीह की तरह जो भी हमारा चेहरा देखें, जो भी हमारी सूरत देखें, उन्हें प्रभु ईश्वर के दर्शन मिल जाए, इन्हें ईश्वर के दर्शन हासिल हो जाए। और हम दुआ करें प्रभु से कि जैसे प्रभु ईसा मसीह को तैयार करके प्रभु ने इस दुनिया में भेजा था और प्रभु ईसा मसीह ने हमको शिक्षा दी, इसी तरह हम भी ईश्वर से दुआ मांगे कि हमें भी तैयार करें, मार्ग बने, सत्य बने, जीवन और ज्योति बने, लोगों के लिए पुल बने, और हमारा जीवन ईश्वर के दर्शन का, ईश्वर के प्रतिबिंब बनने का एक मौका बन जाए और एक अवसर बन जाए। इसके लिए प्रभु से दुआ करें। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु ईसा मसीह और माता मरियम आप सभी को ईश्वर का प्रतिबिंब और ईश्वर के चेहरे दर्शाने वाले, ईश्वर के दर्शन कराने वाले सूरत बनाएं और आप अपने जीवन को एक पुल के रूप में बिछा दें दुनिया में। तो प्रभु ईसा मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत के छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखें। पिता, पुत्र और पवित्र